समाचार में रेनू राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। 6 अगस्त को बदमाशों का पीछा कर रहे सिपाही को गोली मारकर घायल कर देने का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि 6 अगस्त की देर रात बदमाशों का पीछा कर रहे कोबरा पार्टी पर चालक सिपाही अंकित चौधरी पर पुलिस से बचकर भाग रहे बाइक सवार 3 बदमाशों द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें अंकित चौधरी के सीने में गोली लग गई थी। हालांकि घटना में सिपाही अंकित चौधरी बच गए थे। इस पूरी घटना को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए आईजी ए दिनेश गणेश द्वारा तत्काल मामले के खुलासे को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा कई टीमें लगाई गई थी। कड़ी मेहनत से पुलिस काम कर रही थी, जिसका फल पुलिस टीम को अलग सुबह 5 बजे मुखबिर की सूचना पर मिल गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राधा नगर को जाने वाले रास्ते पर भट्टे के समीप 50,000 के इनामी बदमाश प्रदीप तोमर पुत्र जगमोहन निवासी सियोना परतापुर थाना भोगांव हाल निवासी गुलाब बाग थाना कोतवाली अलकेश पुत्र सूरत सिंह निवासी बड़ी खानगाह के सामने थाना कोतवाली को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया है कि एक समय जनपद भर में एक ही गैंग काम करता था, जिसके बाद इस गैंग के 2 फाड़ हो गए थे। तो एक गैंग का नेतृत्व कबीर पुत्र शब्बीर अली निवासी महमूद नगर थाना कोतवाली, वहीं दूसरी गैंग का नेतृत्व बबलू यादव पुत्र दिलीप निवासी नगला कीरत थाना दन्ना हार कर रहे थे। दोनों गैंगों में विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते घटना वाले दिन दोनों के गैंगों में मदार गेट पर जमकर फायरिंग हुई। इसी की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाश भाग गए और तीनों बदमाशों का पीछा करते हुए कोबरा पार्टी पर तैनात सिपाही अंकित चौधरी, एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों का पीछा करते हुए मोहल्ला अग्रवाल जा पहुंचे, जहां बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसमें सिपाही अंकित चौधरी घायल हो गया। प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय पूरी घटना का अनावरण दिया है। वहीं घटना का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी सोनू उर्फ मामा फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी कर लेगी। ये 6 तारीख की रात में जो हमारे बस्ती पार्टी पे अपराधियों ने हमला किया था, जो 3 बाइक सवारों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी और हमारे बहादुर सिपाहियों ने बड़ी गोली लगने के बाद भी बहादुरी से उनका पीछा किया था। उन 3 अपराधियों का नाम हमने विवेचना में प्रकाश में ला करके पूरी तथ्यात्मक जानकारी करने के पश्चात आज पुलिस इनकाउंटर में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इसलिए 50,000 के नाम हमने घोषित कराया था, शेष की जल्दी हम गिरफ्तारी कर लेंगे। ये पूरा घटनाक्रम थाना कोतवाली के आगरा के चौकी क्षेत्र का है। इसमें पुलिस ने बहुत अथक प्रयास करते हुए अपने बहादुर सिपाही जो मेहनत का परिणाम चुकाया है। कौन कौन पकड़ा इसमें? आज की गिरफ्तारी तो 2 लोग हुए आज की जो घटना में, 2 गिरफ्तार हुए, एक प्रदीप तोमर है और एक अलकेश है। लेकिन उस जो सिपाही वाली घटना में प्रदीप तोमर शामिल था, जिसमें 50,000 का इनाम घोषित हो चुका है। इसके अन्य 2 साथी अभी फरार हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे।